नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे संसार के सबसे पवित्रतम लोग, संसार में जिनका हृदय दूसरों के लिए धड़कता है, जिनके अंदर कोमलता, स्नेह, प्रेम भावना कोट-कोट के भरे हुए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो इस सूक्ति के रसनाकार रहे होंगे वो भी आपकी ही राशि पर रहे होंगे। ठीक, जो समग्र विश्व की कल्याण की भावना को रख सके वो आप लोग हैं। जो पूरे संसार के लिए सुंदरता, संसार के लिए सुखी, संसार खुश हो ऐसी भावना रखने वाले आप लोग कर्क लगन कर्क राशि के जातकों के लिए एक अपडेट है। गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे वक्री हो चुके हैं। जो हम आज बात कर रहे हैं 9 तारीख से वक्री हैं, 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। एक लंबी अवधि के लिए गुरुदेव वक्री हैं। शनि महाराज जो आपके बड़े प्लेनेट है वो भी वक्री हैं, और गुरु भी वक्री, गुरु शनि दोनों वक्री। ये गुरु शनि का वक्रत्व तो क्या गुल खिलाएगा। आज हम बात कर रहे हैं गुरुदेव की। आपके बर्थ चार्ट पे गुरु महाराज आपके भाग्य के स्वामी हैं, इसलिए जो भाग्य में है वो भाग कराएगा और जो नहीं है वो आके भाग जाएगा। आएगा ही नहीं, भागेगा कहाँ से। तो भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य आदमी को सपोर्ट कर देना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भाग्य के साथ अगर पुरुषार्थ काम ना करें, सिर्फ हवाबाजी करें, तो फिर जलेबी की फैक्ट्री बंद भी हो जाती है। ठीक है, जलेबी की खेती बंद भी हो जाती है। तो ध्यान देना होगा कि सिर्फ हवाबाजी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि गुरु खस्टेस हैं, फिर जलेबी की फैक्ट्री विरोधी लगा लेते हैं, फिर वो चाशनी डालते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव क्या क्या लाभ देंगे, चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। आप सरल हैं, आप सहज हैं, सपोर्ट करने की भावना से हैं, इसलिए पहला आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे का सफर हमारे साथ तय करिए। राधे राधे। गुरु, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव जो है ना, ब्रह्म विष्णु महेश, जैसे आपका कल्याण करने वाले हैं, पोषक करने वाले हैं, जरूरत पड़ने पे ठीक करने वाले भी हैं। आपके बर्थ चार्ट में गुरु लाभेश हैं, गुरु भाग्येश हैं और गुरु खष्टेश हैं। यह जो जन्म आपने लिया है वो गुरु के एनर्जी को या संचित प्रारब्ध को खत्म करने के लिए आए हैं। गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके भूतकाल की एनर्जी को लेके चल रहे हैं और भूतकाल के स्वभावों को भी लेके चल रहे हैं। आपके बर्थ चार्ट पे गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, या किसी भी बर्थ चार्ट पे, कि गुरु महाराज आपके जीवन में शुभता और अशुभता दोनों को लेके चल रहे हैं। नवम भाव क्या है, पिछले जन्म की कमाई है, सुंदर सी कमाई, जिसको बोलते हैं FD, बैंक में आपकी FD। लेकिन बैंक के कर्जे भी तो गुरु ही हैं, छठवां भाव भी गुरु का है, उसको जला देना है, उसको खत्म कर देना है, संघर्ष करके तोड़ देना है। तो गुरुदेव वक्री होके पहले क्या करेंगे, जहां पे बैठे हैं उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देंगे। पहला काम, हम स्पीड से आगे घर से निकल रहे हैं, स्पीड से हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अचानक गुरु जी आ गए, बोले हाँ जो पढ़ा है सुना, तो जो पढ़ा सुना, नहीं याद आया पिछले अध्याय में जा उसको भी सुना, फिर से रिपीट करो बेटा, फिर आगे बढ़ो। हम दौड़ रहे हैं, कहीं त्रुटि कर दे रहे हैं, हमारा सीनियर बोलता है पीछे लौटो फिर से दौड़ो, क्योंकि त्रुटि कर रहे हो, आगे पकड़े जाओगे। तो यहाँ पे गुरु आपके लाभ के मार्ग में जो त्रुटि हो रही है उसको सुधार देंगे, आपके पिता से संबंधों को सुधार देंगे, सीनियर से संबंधों को सुधार देंगे, बड़े भाई से संबंधों को सुधार देंगे, सरकार से लाभ के मार्ग में जो अवरोध आ रहे थे उनको सुधार देंगे। साथ में क्या करेंगे, भाग्य के में जो अवरोध आ रहा था उसको सुधारेंगे। ऋण, रोग, परेशानी, शत्रुता, धीरे से रोग आपसे बोलेंगे भाई साहब बहुत दिन हो गया मैं चलता हूँ, आप बोलोगे नहीं अतिथि रुक जाओ, बोलेगे नहीं महाराज बहुत दिन हो गए, अब जलेबी की फैक्ट्री नहीं लगेगी, मैं अपनी जलेबी उलेबी लेके जाता हूँ, किसी और प्रदेश में भ्रम फैलाता हूँ। तो इस तरह के भ्रमात्मक चीज़ें आपके जीवन से खत्म हो रही हैं। स्टार्टिंग में मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसका नाम है मृगशिरा। थोड़ी सी चंचलता रहेगी, थोड़ा सा उपचार रहेगा, मृगशिरा
आयुर्वेद को लेके चलता है, मृगशिरा औषधियों को लेके चलता है, मृगशिरा शल्य चिकित्सा के लिए जाना जाता है। तो जो परेशानियां थी, अगर प्यार से जाएंगे तो प्यार से, नहीं तो उनको काट के अलग कर दिया जाएगा, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, बोलेंगे गोविंदाय नमो नमः, निकलो बहुत हो गया। मजे की बात यह है कि गुरु महाराज मंगल के नक्षत्र में और मंगल महाराज गुरु के नक्षत्र में, इसलिए परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन राजयोग चल रहा है। तो यहाँ पे श्रेष्ठ फल देना शुरू करेंगे। इसके बाद गुरुदेव आपके लिए श्रेष्ठतम फल देंगे। श्रेष्ठतम क्यों देंगे? आपके जीवन में 12 वर्ष बाद ही ऐसा अवसर आएगा, 12 वर्ष बाद यह श्रेष्ठ अवसर मिलेगा। हो सकता है आपके जीवन में ना भी मिले, क्योंकि देखो शनि स्वग्रही हैं, शनि भी वक्री, गुरु भी वक्री, मंगल भी वक्री हो जाएंगे, और मंगल लाभ के भाव में वक्री हैं। ठीक है, शनि स्वग्रही हों, लाभ के भाव में वक्री हों, ऐसा योग आपके जीवन में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब 12 वर्ष बाद यहाँ पे गुरु आएंगे तब वक्री होंगे, और रोहिणी नक्षत्र में, कौन से नक्षत्र में? रोहिणी। रोहिणी आपके जीवन का आधार स्तंभ है भाई। रोहिणी यद्यपि चलता लाभ के घर में है, और संसार में लाभ से ही तो अच्छा है, लाभ होगा तो भला होगा। लाभ नहीं है ना मित्र, संसार में रिश्ते ही नहीं चलेंगे। पत्नी पति से बोल देगी तुम्हारे रहने से मेरे को क्या लाभ, संतान पिता के लिए बोल देगा तुमसे मेरे को क्या लाभ। आजकल यही होता है, बच्चे बाप को स्टेशन पर बैठा के वो निकल जाते हैं एरोप्लेन पकड़ के, बाद में बाप घूमते रहते हैं। आने वाले समय में सर्वाधिक दयनीय स्थिति माता पिता की होने वाली है, क्योंकि हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने बच्चों से कहा कि तू एक अच्छा आदमी बन, तू अच्छा इंजीनियर बन, तू पायलट बन, तू डॉक्टर बन, तू ये बन, तू वो बन, तू अमेरिका जा पैसा कमा। कभी उससे हम अच्छे इंसान बनने की अपेक्षा ही नहीं करते, इसलिए बच्चा जो कर रहा है उसमें त्रुटि माता पिता की है, त्रुटि हमारे समाज की। हम उसे अच्छा इंसान बनाने की ओर बढ़ते ही नहीं, हम उसको कितना चालाक कितना धूर्त बना दें इसी पर हमारा फोकस रहता है, कितना पैसा कमा ले, कहाँ से कमा ले, नहीं, सारा पैसा आपका रखा का रखा रह जाएगा। इसलिए स्वतः एक अच्छे इंसान बनिए, आप अच्छे इंसान हैं, अपने संतान को भी बनाइए। तो गुरु महाराज की जो गोचरी स्थिति है रोहिणी में सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेगी। रोहिणी आपका अपना नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है। रोहिणी को बोलते हैं ऊपर उठने वाला। रोहिणी में जब गुरु चलेंगे तो तीन चीजें आपके पास बहुत मात्रा में आएंगी, आपकी वे आप टॉकिंग बिल्कुल सहज जैसी होगी। वाणी रसवती यस्य, रस टपकेगा और लोग आपकी बातों पे मुग्ध हो जाएंगे, या आपके हाथ में काम करने की जो कला होगी उसको इतने बढ़िया ढंग से फिनिश करोगे कि दूसरे लोग जो है वो दूर से ही आपको प्रणाम करेंगे, बोलेंगे भाई साहब को दे दीजिए, इनसे बेहतर काम कोई नहीं करता। शत्रु भी जहाँ पे प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाए आपकी मुस्कान देख के, आपका काम देख के, वो रोहिणी है। तीसरा, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, या बोलने की कला आपकी बहुत अच्छी होगी, या तीसरा काम करने की कला होगी। तीन में से एक कलाएं 101% आपके पास आ रही हैं, और आप सावधान रहे जागृत रहे तो तीन की तीनों कलाएं आएंगी। यह अवसर उन्नति प्रदान करने का, यह अवसर आपके भाग्य में आ रहे अवरोधों को खत्म कर देने का, यह अवसर सामंजस्य बना के शत्रु को पराजित कर देने का है, शत्रु को उसे के चक्रव्यूह में फंसा के नतमस्तक कर देने का, मारने का नहीं है, नतमस्तक कर देने का है, और शत्रु भी आपका मित्र बन जाए ऐसे क्रियाकलाप करने का है। जहाँ आत्मिक उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी, वहीं पे यह नक्षत्र रोहिणी में गुरु आपके सांसारिक उन्नति की बात करते हैं। रोहिणी बैलगाड़ी से चलता है, पहले बैलगाड़ी हमने कल्पना कर रखी है, आज हमने कल्पना की होती तो यान की कल्पना की होती, BMW की कल्पना की होती, लग्जरियस गाड़ी की कल्पना की होती। हम गाड़ी की, बैलगाड़ी की तब कल्पना करते हैं जब राजाओं को सेठों को मिला करता था, ठीक है, तब की यह अवधारणा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे आपको वाहन संबंधित सुख गुरु दे रहे हैं। अगर वाहन नहीं परचेस कर पाए तो परचेस करने का प्लान कर लीजिए। गुरु का बेहतर रखिएगा, अपने गुरु मंत्र का जाप करिएगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जाप करिएगा, और सबसे श्रेष्ठ फल देने वाला इस नक्षत्र पे कोई मंत्र है तो भगवान कृष्ण का, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा रानी के चरणों में रहिएगा, ठीक है ना।
राधा को प्रणाम करो, परिणाम आपके फेवर में आएगा। वृंदावन बिहारी लाल देव से सुनेंगे, आप राधा रानी के जाकर कान में कुछ कह के आइए, चरणों में कह के आइए, ऐसे बात हो जाएगी। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना, राधे राधे करते रहना। गुरु को मजबूत करने के लिए अपने गुरु मंत्र का जाप करना, येलो कलर का चंदन मस्तक पे कंठ में नाभि में लगाना, गुरु सदृश लोगों को प्रणाम करके चलना, परिणाम आपके फेवर में होगा। जय जगदम्बा।